नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वीपीएल न्यूज पर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही लॉकडाउन को लेकर। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर यदि आती है तो 50 लाख लोग इसकी चपेट में आने की संभावना सरकार की एक्सपर्ट्स ने अपने रिपोर्ट में जताई है। इसमें करीब 5 लाख बच्चे भी कोरोना से संक्रमित होने की बात कही जा रही है। ऐसे में राज्य में कई जिलों में बच्चों के लिए अलग से बेड्स आरक्षित किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण वैसे ही अर्थव्यवस्था को काफी झटका लगा है। ऐसे में तीसरी लहर आर्थिक बोझ भी बढ़ाने वाला है। सरकारी सूत्रों के माने तो सरकार को तीसरी लहर से निपटने के लिए 893 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इस वक्त एक बड़ी खबर, दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं मुंबई लोकल को पूरी तरह से बंद करने का भी फैसला आ सकता है। इस वक्त की एक बड़ी खबर वीवीएल न्यूज़ पर।